हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और पिछले 10-12 साल में मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें मैं एक चीज़ बताऊं कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, उनके 18-20% तक आए थे, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने बस कुछ बातें फॉलो की और उनके 90+ percentile भी आ गए, इवन कुछ के तो 98-99% भी आए नेक्स्ट ईयर, है ना। तो आप में से चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप ड्रॉपर हो, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, प्लस अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके कैट में परसेंटाइल नहीं आ सकते, तो ये थॉट तुरंत मन से निकाल दो, ठीक है। और इसके लिए हमने हेल्प करने के लिए हमारी वेबसाइट पे फ्री में मेंटरशिप चालू की हुई है, जिसमें अभी तक हम आईबीएम और कैट के मिला के 1000 बच्चों से ज़्यादा को फ्री में मेंटरशिप दे चुके हैं और उनको काफ़ी फायदा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, है ना, कई लोग एंड तक नहीं देखते ना वीडियो, तो उनके लिए एक चीज़ है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ getipmat.com, है ना, यहाँ पे आप अपना नाम, है ना, फिर एज, सिटी तो हमें पता चल जाए ताकि कहाँ से आप बोल रहे हो, फिर जितनी आप डिटेल दे सको, 10th-12th के परसेंटेज सिर्फ, है ना, और ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज अभी चल रहे हैं, और अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इसमें ऑन एन एवरेज आपका क्या परसेंटाइल आ रहा है, ये सब डिटेल आप हमको बताओ। और आखिरी में आपका जो भी कंसर्न है वो करो, 24 आवर्स के अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग चैट के थ्रू करते हैं। तो जैसे आप साइट ओपन करोगे तो नीचे एक चैटिंग का ऑप्शन आएगा, व्हाट्सएप चैट भी है उसमें, नॉर्मल चैट भी, उसके थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम आपकी यहाँ पे काफ़ी हेल्प करेंगे। चलो अब काम की चीज़ चालू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि शुरू में ही बताया कि कोई भी बच्चा कैट में 95+ percentile आराम से ला सकता है, 95+ percentile आराम से ले आएगा, बस ठंडे दिमाग की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में मैं जो जो बताऊंगा वो अच्छे से फॉलो कर लेना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। और आज के वीडियो का जैसे हमारा मेन हेडिंग है ये स्कोरिंग लो इन मॉक्स, यानी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब क्या होता है नॉर्मली, ये जो अगस्त सितंबर आता है, अब देखो सितंबर चालू हो चुका है, तो इसमें क्या होता है जब बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं तो मैंने देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी बहुत हाई लेवल के मॉक बनाते हैं, इतना कैट भी नहीं आता है बेसिकली, है ना, फिर बच्चा उसको देता है, उसके कम परसेंटाइल आते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाता है, फिर उसको लगता है कि कैट हमारे बस की नहीं है। तो मैक्सिमम जो ड्रॉपआउट्स होते हैं, यानी कैट की प्रिपरेशन का जो लोग प्लान ड्रॉप कर देते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा मैक्सिमम ये बच्चे अगस्त या सितंबर में ही प्लान ड्रॉप कर देते कि अब हमें कैट नहीं देना है। इवन आप में से भी अगर कुछ लोग इस टाइप के हो जिन्होंने कैट का प्लान जुलाई अगस्त या सितंबर में ड्रॉप किया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो अगर आप में से भी ऐसे कई लोग हैं मॉक के रिजल्ट देखने का जैसा सोच रहे हो, सॉरी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसमें आपकी गलती ज्यादा नहीं है, गलती किसकी है वो आप समझ गए हो, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना, अच्छा मॉक में भले ही आपका परसेंटाइल बहुत कम आ रहा है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना, आज डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है बाहर, आपको मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट आपको देते जाना है ना, पर वीक आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। तो एक मॉक आपको एक हफ्ते में जरूर देना है। अब आपको करना क्या है ये मैं बताता हूं, ताकि आपके परसेंटाइल अच्छे से आ जाए, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, आप में से काफी लोग क्वांट से बहुत घबराते हो, तो क्वांट में भी फिलहाल के लिए आप सिर्फ एक चीज ध्यान से सोच लो, आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक क्वेश्चंस करो प्लस PYQs कर लो, बस इतना कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आप लोग जानते हो कि जैसे टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको ये PYQs भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से बेसिक क्वेश्चन प्लस PYQs कर लो, आपका काम हो जाएगा। इवन LRDI में भी यही करो, और वर्बल में सिर्फ एक काम करो, आप कंटिन्यूएशन में रीडिंग करो, इतना कर लो, है ना, अगले 2-3 महीने सिर्फ 80 डेज अप्रॉक्स बचे, 75-80, इतना ही काम करो। इवन आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो यही चीज़ फॉलो करना, ठीक है, PYQs करना, मैथ्स में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना, प्लस LRDI और क्वांट और वर्बल में, तीनों में PYQs जरूर करना, है ना। कैट के ऑफिशियल पेपर आपको 2008 तक के मिल जाएंगे, प्लस फिर 2017 से आपको 2023 तक के मिल जाएंगे, तो इतना आपको करना ही करना है। और मेरी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको अल्जेब्रा की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अर्थमेटिक की अलग मिल जाएगी, ये भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। फिर आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज आपको एक मिलेगी, वो भी कर लेना।
एम बैंगलोर क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, वो भी कर लेना। इतना कर लोगे ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 95+ परसेंटाइल कहीं नहीं गया, ठीक है। इतना करो तो एक बार, और हाँ इतना कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। इतने वीडियोस में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस चैनल पे फ्री में। हाँ उसके बाद भी लगे कि आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो ये लिंक है, यहाँ पे जाके अभी भी टाइम है, आप कोर्स परचेस कर सकते हो। वो कैट 300 का वेट करना है तो वो कर लो, है ना। इतना चीज समझ में आ गई। प्लस आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है ये समझो, ये काम की चीज है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, देखो 2 आवर्स का मॉक होता है, आप 4 आवर्स का मान के चलो, तो 2 आवर्स आप इसको मॉक टेस्ट दोगे, प्लस नेक्स्ट जो 2 आवर्स रहेंगे इसमें आपको एनालिसिस करना है। अच्छा, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता जैसे कई बच्चे समझते हैं कि उनको सारे के सारे क्वेश्चन करने, नहीं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो हमसे नहीं बन रहा होता है, जो हमको एग्जाम में भी छोड़ना है। ध्यान से सुनो, हमें उन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। एनालिसिस का मतलब ये होता है ऐसे वो कौन से क्वेश्चन थे जो मुझसे बन सकते थे लेकिन मैंने नहीं किए। देखो एनालिसिस सिर्फ एक ही होता है, ध्यान से ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा सिर्फ इस एक लाइन से। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मुझसे बन सकते थे लेकिन मैंने उस समय उस 2 घंटे में नहीं किए। सिर्फ मुझे उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और अगले जो मौका है मुझे बस ये वाली गलती सुधारनी है कि मुझे वो क्वेश्चन पक्के बनने चाहिए जो मैंने गलत कर दिए हैं या जो मुझसे बन सकते थे मैंने नहीं किए। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ आप इस एक लाइन पे फोकस करो और अगले 2-3-4 मॉक दो, देखना आपके परसेंटाइल इसी एक लाइन से बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियो उड़ाते रहूंगा जो आपको ग्रेजुअली आपके परसेंटाइल कैट आते आते मैं काफ़ी सारे बढ़वा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।